अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो है वो ज़बरदस्त सा होने वाला है। ज़बरदस्त सी चीज़ें आपको आज सीखने को मिलेंगी, और स्पेशली वो लेडीज़ जो 40 प्लस 50 या 60 के करीब करीब हैं, ये उनके लिए बहुत ख़ास मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेके आई हूँ। जल्दी से कॉपी पेंसिल निकाल लें, अगर आप अपनी अम्मी के लिए करना चाहते हैं या आप खुद करना चाहती हैं तो कॉपी पेंसिल ले लें, चीज़ों को लिखना शुरू कर दें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देने लगी हूँ कि आप कैसा सॉफ्ट सटल ग्लोई ड्यूई मेकअप कर सकते हैं एट द एज ऑफ 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, इवन 60, 70 इवन भी। तो आपके लिए स्पेशल मैंने वीडियो तैयार की है, तो चलिए चल के देखें। सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र एज़ यूजुअल मैं अपना सीरम यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं ये लगाऊंगी, मॉइस्चराइज़र इज़ अ मस्ट। इसके बगैर, क्योंकि ड्राई स्किन से आप 40 हैं, 40 प्लस हैं, 50 एज की जो भी लेडीज़ हैं, अगर आपके पास रेटिनॉल है तो आप रेटिनॉल लेके लगा लें। अगर आप अपना कोई अच्छा आई सीरम कोई भी किसी भी ब्रांड का यूज़ कर रही हैं आप, वो लगा लें जो आपको अच्छा लगता है, जो सूट करता है। लेकिन बेसिक चीज़ जो जिसके पास नहीं है रेटिनॉल या नहीं अफोर्ड कर सकते या उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं इतना लग्जरी किस्म की चीज़ें अपने पास रखूँ, कुछ लेडीज़ का होता है कि वो नहीं चाहती हैं लग्जरी चीज़ें अपने पास रखना, सिंपल बेसिक कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लें। जैसे ये देखें, मैं नीविया यूज़ करी। ये मेरी जर्मन मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बताया था कि नीविया इज़ दी बेस्ट, उसने मुझे बोला था कि नीविया इज़ दी बेस्ट मॉइस्चराइजर क्रीम कंपेयर टू ऑल द एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर क्रीम अराउंड द वर्ल्ड। तो ये आप थोड़ा सा हाथ पे ऐसे ही इसको रब करें, ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है, फिर जो ही ये मेल्ट होगी आप अपने चेहरे पे इसको सीरम मॉइस्चराइज़र जो भी आपके पास अब था अपने चेहरे पर लगा, तो थोड़ा सा टाइम दें, एक दो मिनट वो सेट होने दें। इन द मीन वाइल जो बना लेती हूँ ये आईब्रोज, आप भी अपनी आईब्रोज का जो भी शेड आए इतना अच्छा स्टिकी स्टिकी सा चेहरा ऐसे लगे आपको और शाइन आ जाए और आपकी आईब्रो सेट हो जाए, आपने लेना है। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस फाउंडेशन, मुझे इतना पसंद है ये है शेड क्रीम। लेकिन मैंने इसका आमंड शेड भी मंगवाया है, वो मेरा आने वाला है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन आई हैव एवर कम अक्रॉस, जो बजट फ्रेंडली है और बहुत अच्छा है। मैं इसका बस इतना सा, ये देखिए इतना सा पी साइज लूँगी, आपको भी इतना ही लेना है। आपने फिर क्या करना है, इसको आप अपनी फिंगर्स इसको ऐसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे ऐसे ऐसे। अच्छा, दाग धब्बे नहीं हैं तो वो तो डायरेक्ट इसको लगा लें, लेकिन अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं यानी मेरे पास मेलिज्मा है तो आप कोई सा भी, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे पास क्रायलॉन का ओरिएंटल शेड है या FS36, ये थोड़ा सा आपने लेना है ऐसे इसे कवर कर लें। ये स्पंज से इतना नहीं चल रहा था तो मैंने फिंगर से ले लिया इसको, वेरी जेंटल। ये देखो अभी मैं ओरिएंटल लगा रही हूँ, लाइंस इन बढ़ा देगा। तो मैं तो थिंक अवॉइड करें, लेकिन अगर आपको नहीं है कि नहीं जी बहुत हल्के नज़र आ रहे हैं तो बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताया ऐसे लगा के ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लें, ताकि जितना एक्स्ट्रा है वो आप अच्छे से लगा लेंगे। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अगर आपकी, क्योंकि जो लेडीज़ स्किन का फेशियल नहीं लेती मेच्योर, स्पेशली जो लेडीज़ एज हो जाती है 45 या 46 की, वो कहती छोड़ो कौन जाए कौन सलून जाए कौन ऐसे करे, तो उनके लिए ये है कि वो जब नहीं जाती इसलिए सलून, तो उनके ना यहाँ पे पोर्स काफ़ी हो जाते हैं, तो जब आपके पोर्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से ना मेकअप ज़रा अच्छा नहीं आता। प्राइमर ले लें जिससे आप अपने यहाँ के पोर्स, यहाँ के और नाक के, और स्पेशली किसी के यहाँ पे और किसी के यहाँ पे पोर्स होते हैं अंडर या चिन के करीब, तो ये लगा लें ताकि वो आपकी स्किन ज़रा आई। मेकअप करेंगे हम बिल्कुल लाइट शेड जो है हमारे पास, ये टेराकोटा शेड है कि ये है और थोड़ा सा ये बिस्किट शेड है, दोनों को मिक्स करेंगे और ये हम हल्के हल्के आँखों पर लगा लेंगे, ताकि एक हमारे आँख पर एक ज़रा नीटनेस सी आ जाए। अभी जो क्रीज बन रही है अभी जो क्रीम की, ये ज़रा सब रुक जाएंगे, ये देखें हल्के से ऐसे वेरी लाइट, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, फ्रेश आँख लग रही है। देखें पिंक कपड़े पहने तो मैं छोटा सा ये बेबी पिंक कलर कर लूँगी शिमर, और हल्का सा ये जो मेरा आई बॉल है यहाँ पे लगाऊँगी, बस इस साइड में आई बॉल के ऊपर लगा लूँगी, दैट्स इट। पूरी आँख पे नहीं लगाऊँगी, जितनी मेच्योर लेडीज़ हैं जो हैं उनके लिए फिर से मैं रिपीट करी कि वो पूरी आँख पे ना लगाएं, बस आई बॉल जहाँ आपके हैं। इसकी एक वजह यह है कि आपकी आँखें चूँकि वो
जो क्या कहते हैं अगर यहाँ पे झुनियाँ सी पड़ जाती हैं और रिंकल्स आ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो मेकअप इतना उठ के नहीं आता और वो प्रोमिनेंट नहीं होता। तो ये आई बॉल मोस्टली ऐसे होता है कि ये सेंटर ऑफ द आई पॉप करता है आंखों पर, तो यहाँ अगर लगाएंगे तो फिर आपकी चेहरा पर आई बॉल पर लिया था उससे भी एक हल्का शेड ऐसे ही नहीं, हल्का सा वाइट सा आपके पास शेड हो या सिल्वर शेड हो थोड़ा सा लेके आप हल्का सा अपने आईब्रो के नीचे लगा लें। आईलाइनर हम प्रॉपर आईलाइनर नहीं लगाएंगी, हम क्या करेंगे कि हम कोई भी डार्क ब्राउन शेड ले लें, जैसे इस किट में आपको नज़र आ रहा है ये वाला डार्क ब्राउन शेड, इसी को मैं लूँगी और इसी को मैं आंखों के ऊपर आईलाइनर सा बना लूँगी। पूरा आईलाइनर लगा लिया यहाँ तक, जब मैं यहाँ पर आऊँगी थोड़ा सा आप इसको यहाँ पर ऐसे हल्के अंदर की तरफ ब्लेंड कर दें। जो पाउडर आपने लगाया वो फैल गया है तो आप कोई सा भी कंसीलर लेके ऐसे आंखों के नीचे हल्का हल्का लगा लें, लगा के इसको हल्के से ब्लेंड करेंगे तो ये बिल्कुल आपका जैसे वो टेप कट वाला होता है शेप वैसा आ जाएगा। ये देखिए तो ये भी आप तो ऐसे आई शेड हो, ये थोड़ा थोड़ा सा लेके नीचे वाली आईलेट पे लगा लेंगे बस यहाँ। अब इन एजेस को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे अच्छे से अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप आई लैशेज नहीं लगा सकती और आपके घर में कोई आपकी मदद नहीं कर रहा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। आप कोई भी अच्छा सा मस्कारा ले लें, मैं आपको बस रिकमेंड करूँगी कि एसएन का एक्सक्रीम मस्कारा ले लें, इससे आई लैशेज बहुत अच्छी हो जाती हैं। इसी से आपकी आंखों पे मस्कारा लगा लें। ये देखें मैं आपको हल्का सा लगा के दिखाऊंगी, देखें कितनी अच्छी आई। काजल या आईलाइनर पेंसिल यूज़ कर लें, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एसेंस की। इसको लेके मैंने आई शेडो ब्राउन से अपना आईलाइनर सेट किया, लेकिन मैं आई पेंसिल अंदर ब्लैक लेके अंदर आंखों में लगा लूँगी। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, कोई भी क्रीम आप ले लें, ब्लश, अगर आपके पास क्रीम ब्लश नहीं है तो आप कोई भी लिपस्टिक ले लें, कोई मसला नहीं है। इस क्रीम ब्लश को भी मैं इस तरह ब्लेंड करूँगी जैसे मैंने अपना फाउंडेशन को भी, दूसरे साइड पर इसको उठाऊँगी और ये चेहरे पर ऐसे लगा लूँगी। अब मैं इसको दूंगी थोड़ा सा टाइम और इस स्टेज पे मैं ले लूँगी ये पाउडर, ये मैंने लिया है शी ग्लैम का, मैं पाउडर ले लूँगी। आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लेके उसको चेहरे पे लगा लें, उसको डस्ट आउट करूँगी और मैं इसको चेहरे पे लगा लूँगी स्पेशली नीचे आंखों के। अच्छा अगर आप 55 या 60 की हैं तो आपके यहाँ पर झुनी अगर हैं तो आप फिर ऐसे करके पाउडर लगाएँगे, थोड़ा सा आप ये ब्यूटी ब्लेंडर से अपना ये पकड़ लें ऐसे गाल नीचे करेंगे और ऐसे पाउडर लगा लेंगे ताकि जो झुर्रियाँ उनके अंदर अच्छे से चला जाए। फिक्सिंग स्प्रे ले रही हूँ, आप मैक का लॉरी जो भी आपको अच्छा लगता है वो लेके हल्का सा स्प्रे कर लें चेहरे पे। उनको बेस्ट आई वुड रिकमेंड कि वो पहले कॉन्टोर या ना लगाएं या फिर ब्राउनर लगाएं या ब्लश, नहीं, आपने क्या करना है, आपने ब्रश लेना है, आपने कोई भी अपने पसंद का शेड उठा लें। आई वुड रिकमेंड आप ये वाला पिंक ले लें अगर आपकी बहुत फेयर स्किन है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी डार्क स्किन है तो आप उस पर ये वाला इसको और इसको मिला के भी लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये वाला शेड ले लें, ये शिमर वाला शेड मैं नहीं ले रही, ब्लश का शिमर वाला शेड नहीं लेना, हम ये वाला शेड ले लेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा मैं ले लूँगी ये वाला ब्राउनर, इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी। ये देख मैं दोनों को मिक्स करके लगा रही हूँ और मैं इनको यहाँ से ऐसे ब्लेंडर जिस पे मैंने लगाया था ब्लश उस पर ही इसको टैप करके और सेट कर लूँगी अच्छे से, अच्छी होगी। हमने ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, अब इस पर हम लगाएंगे सेटिंग स्प्रे, नॉट फिक्सिंग स्प्रे, सेटिंग स्प्रे लगाएंगे, ऐसे स्प्रे करेंगे और इसी वेट ब्लेंडर से मैं उठा लूँगी कोई से भी अपनी पसंद का हाइलाइटर। कोशिश करें हल्के से शेड्स के ले लें, ये वाला शेड भी आपके चेहरे पे अच्छा लगेगा और ये वाला चेहरे पे भी अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा सा ये लेंगे ऐसे, थोड़ा सा अपने हाथ पे एक्स्ट्रा निकाल लूँगी मैं और यहाँ पर बस ये मेरी जगह पर लगाऊँगी। ये देखिए लिपस्टिक लगाने से पहले मैं एक काम ये करने लगी हूँ कि मैं सेटिंग स्प्रे से मेकअप को सेट कर लूँगी, उसको पहले मैं शेक कर लूँगी। रिंकल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो उसको आपने क्या करना है, कवर करना है, तो आपने लगाना है लिप्स पे, ठीक है, इतना लगा के इसको आप कर लें ब्लेंड। थोड़े से प्लम्प लगते हैं, अब आप बना लें आउटलाइन। मेरे पास ये एसेंस का लाइट शेड, ऐसे मैं फिल इन कर लूँगी लिप्स को, हल्का सा
और मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी पिंक शेड, वेरी लाइट, थोड़ा सा यहाँ हाथ पे निकालूंगी पिंक सा, ये देखिए ऐसे निकाल लूँगी। ये मैं स्विस कॉस्मेटिक्स का ले रही हूँ, स्वीट टच, बेसिकली स्वीट टच है इसका, थोड़ा सा लूँगी यहाँ पे फिंगर पे और ये देखिए ऐसे। आपको अगर अच्छा लगता है कि जी मैं मैट ही रखूं तो आप मैट रख सकती हैं, आपकी चॉइस, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है कि थोड़ा सा ग्लॉसी होना चाहिए तो थोड़ा सा ग्लॉस लेके लगा लें। थोड़ा सा फिर लग रहा है मुझे थोड़ा सा डार्क करना है कुछ, तो आप डार्क कर सकते हैं, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इट्स मोर देन इनफ, इट्स गुड। मुझे अभी दिन की रोशनी भी मैं देख रही हूँ उसको, तो मुझे सही लग रहा है, मैं भी कैमरे की लाइट में भी देख रही हूँ तभी मुझे सही लग रहा है मेकअप, तो एटलीस्ट ये दोनों लिहाज से डे नाइट मेकअप के और रोशनी ये दोनों तरफ सही है, मेकअप परफेक्ट आइडियल गुड। अब हम करते हैं बाल की सेटिंग और थोड़े से पहनते हैं ईयर सेट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरा स्टाइल, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और सब्सक्राइब माय चैनल।